अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सुलेमान मलिक एबी9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। इमरजेंसी मेडिकल प्रिपरेशन टेक्निक डेवलप किया है जो बहुत ही कम वक्त में इसको इंसान के जो फौरन जो मौत हो जाती है और जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो 10 से 20 मिनट में रिकवर करने की सलाहियत नहीं रखती है, वैसी ये डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक है। ये एक ऐसी लिक्विड है जिसको डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन टेक्निक कहा जाता है, जिससे पेशेंट्स को सीरियस और क्रिटिकल कंडीशंस से ट्रीट किया जा सकता है। और डिटेल में अगर हम जाएं, ये एक लॉन्ग टर्म एनिमल बेस्ड स्टडी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स और शॉर्ट क्लिनिकल ट्रायल्स को बाईपास कर सकती है, को जो कि जो है उनके जो साइंटिफिक वर्ड है जो बाईपास करती है, और ये आसानी से साइंटिफिक में प्रूव किया गया है, लैब में टेस्ट किया गया है और मर्ज किया गया है जो अभी मेडिसिन हमारे साथ जो मौजूदा हालात में हैं कम वक्त में, और ताकि इस एक्शन में जो एक बैरिकेड बन के रखा हुआ है जो इस पैंडमिक और एपिडेमिक में भी इस्तेमाल किया जा सकता। ये प्रिस्क्रिप्शन सभी भी दे सकते हैं, MBBS डॉक्टर्स भी एक्यूरेटली तरीके से, एक बहुत इंग्लिश वर्ड सही मुनासिब है एक्यूरेटली। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है ये, और 5 ऐसे एजुकेशन है जो 5 मेजर थ्योरीज हैं जिसके सब थ्योरीज 11 हैं, और एटॉमिक वेट एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स हैं, इसका समझ होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको समझने के लिए भी मेटा डेटा का भी काफ़ी समझना ज़रूरी है, और कई ऐसे अलग तरीक़े हैं जो मेडिसिन को तैयार करने के लिए। इंडिजीनियस पीरियोडिक टेबल्स को भी समझना ज़रूरी है, ये एक पज़ल है जो कि ताकत को एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम डिजीज टू एक्शन, डिजिटल ब्रेन कंट्रोल सिस्टम और कई अलग मॉड्यूल्स मोड्स। इस लिक्विड में एम्स भी है और वॉल्ट्स भी हैं, और ये एक ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल किया गया 16-bit बस जो कि हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रोग्रामिंग मोड प्रोबेबली जो हम स्काइप में व्हाट्सएप में याहू में इस्तेमाल करते हैं, और इसकी ऐसी ये ऐसा डेवलप्ड एंटी ब्लॉकेज सिस्टम है जिसको हम मेडिकल लाइन में हम कहते हैं एंटी थ्रोम्बोसिस, जो कि स्पाइडर के वेन्स ऑफ वर्कोसिस वेन्स में डालते हैं और ताकि उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये एक अलग 10 किस्म के एजुकेशन सिस्टम से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि जो मॉडर्न मेडिसिन डिजीज एंड डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी ऑफ MBBS, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल, TCP/IP जो हम कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं, बायोकेमिक, बायो एनर्जी, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और जो सॉइल है, वाटर प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तमाम चीज़ों की जो जानकारी है इसमें से भी हासिल करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो काफ़ी ज़रूरी है इसको समझने के लिए, और मैग्नेटिज्म, ये एक अलग ही पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसको। अक्यूपंचर जो कि हम देखते हैं, इट इज़ अ वेरी अनदर सक्सेसफुल चीज़ जो हम उतना वाइडली लोगों को पता नहीं है। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट डेवलप्ड एमरजेंसी डिजिटल मेडिसिन प्रिपरेशन इन लिक्विड फॉर्म ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ है और हिंदुस्तान में इसकी ईजाद हुई है। तो मकसद ये है कि इसका अवेयरनेस हो जाए, सिम्बेंस की तरफ से है ये डेवलप्ड एमरजेंसी मेडिकल प्रिपरेशन टेक्निक जो कि काफ़ी कम वक्त में इसको ट्रीट किया जा सकता है, जहां पर 10 से 20 मिनट पहले कोई भी मेडिसिन को से रिकवर नहीं हो सकते हैं जो डेथ्स होते हैं। तो ये एक ऐसी
लिक्विड फॉर्म मेडिकल है जो 10 से 20 मिनट पहले एक इमरजेंसी सिचुएशन को ट्रीट कर पाती है।